मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मोबाइल टावर से महंगे उपकरण चोरी कर कबाड़ियों को बेचने के आरोप में मेरठ पुलिस ने आज 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। जिन कबाड़ियों को इन्होंने बेचा है उनकी तलाश भी की जा रही है। आज गिरफ्तार किए गए बदमाशों में विकास प्रजापति निवासी ग्राम माघपुर बिजनौर, हाल पता गंगानगर मेरठ, अर्जुन कश्यप निवासी गंगानगर मेरठ, इकरामुद्दीन निवासी जाकिर कॉलोनी, मोनू त्यागी निवासी ग्राम कौल थाना खरखौदा मेरठ और आमिर निवासी लकीपुरा थाना लिसाड़ी गेट मेरठ शामिल हैं। इस आशय की जानकारी आज SP अनित कुमार ने दी। विगत काफी दिनों से ये हमारे पास ये सूचना मिल रही थी और इस संबंध में मुकदमे भी कायम हुए हैं कि ये जो टावर BTS टावर होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वहाँ से ये चोर उसके इक्विपमेंट्स ये चोरी कर लेते हैं और काफ़ी कीमती होते हैं और ये जैसे 2.5 लाख जिनकी कीमत बताई जाती है उसको चोरी कर देते हैं तो उससे वो BTS काम करना बंद कर देता है और इसका 4G का नेटवर्क ये सफ़र करता है उससे। तो इसी में जब हमें सूचना मिली, टीम ने काम किया, सर्विलांस टीम ने बहुत मेहनत की है और थाना लालकुर्ती पुलिस द्वारा मिल के इसमें इनको ट्रैक किया गया और फिर इसमें 5 लोग आज हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने इन घटनाओं का कबूला है। गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने बताया है कि अलग अलग थाना क्षेत्र में इन्होंने 5 घटनाएं कारी की हैं। लगभग इनके पास से जो सामान मिला है उससे ये लग रहा है कि 8 BTS इन्होंने जो है उनसे बरामदगी हुई है और 3 अन्य उनका भी सामान इन्होंने जो भेज दिया उसके रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि ये चोरी करने वाले 3 लोग हैं जिनमें एक विकास, एक अर्जुन और एक मोनू त्यागी, ये 3 लोग चोरी करते हैं और आगे फिर ये फर्दर इनको अलग अलग कबाड़ियों को बेच देते हैं। एक दो कबाड़ी इसमें और शेष हैं जिनके अभी तलाश की जा रही है, उन पर दबिशें दी जा रही हैं, जब वो पकड़े जाएंगे तो उनसे भी बरामदगी की जाएगी। इनका कोई सर आपराधिक इतिहास कुछ? ये भी जानकारी की जा रही है कि अभी इनका पहले का कोई आपराधिक इतिहास। सर चोरी करने के बाद कहाँ बेचते थे, क्या करते थे? अलग अलग जगह कबाड़ियों को बेच देते थे, बड़े सस्ते दामों बेचते थे। 2.5 लाख का इक्विपमेंट है उसको ये 9-10 हज़ार में इनका बताना है कि वो 9-10 हज़ार में मात्र बेचते थे। वो कबाड़ी आगे कहाँ बेचते थे जो पकड़े जाएंगे तो वो आगे बताएंगे। मास्टरमाइंड कौन, कुछ पता चला सर? ये तीनों मिलके काम करते हैं, ये विकास, अर्जुन और मोनू त्यागी, ये तीनों ही मिलके इसमें काम। कितने समय से काम कर रहे हैं ये? काफ़ी दिनों से ये घटनाएं चल रही हैं, लगभग 1 महीने से ये हम लोग इसमें परेशान थे कि ये बार बार घटनाएं हो रही थी तो हमें ये जानकारी थी कि कोई गैंग इसमें ऑपरेट कर रहा है। इसमें पूरा गैंग हम वर्कआउट करके जो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो इनके जैसे घटनाकारित करने वाले ये लोग हो गए, फर्दर जो इन ये माल खरीदते हैं और आगे जहां बेचते हैं, सबको ट्रैक करके हम इनको इनका गैंग रजिस्टर कराएंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इसरार ग्राम सिसौली तावीस फतेहउल्ला रोड लिसाड़ी गेट मेरठ और यूसुफ निवासी लकीपुरा थाना लिसाड़ी गेट मेरठ फरार बताए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstByte.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाने नहीं भूलें। नमस्कार।